अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का। वेक्टर्स के दरमियान में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमने उसे नाम दिया था। आज हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, जिसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में प्रोडक्ट हो रहा हो और रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें कोई वेक्टर मिल रहा हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट को कहा जाएगा क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। डेफिनेशन इसकी की जाती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास बन जाती है, देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाएगा। मैथमेटिकली तौर पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा के। अब यहाँ एक बात नोटिस कीजिएगा, चूंकि हमारे पास रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, हेयर इज ए बी साइन थीटा। वेक्टर दो जो हमने कंसिडर किए हुए हैं, ए और बी, उनके साथ एक यूनिट वेक्टर कहना, तो मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर बेसिकली तौर पर ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर के। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए वेक्टर बी, जिन्हें एक एंगल थीटा के ऊपर रखा गया है। अगर इनके दरम्यान में वेक्टर प्रोडक्ट बनाना चाहें, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो ये किस तरह से हमें हासिल होगा? आपने अपने राइट हैंड को, ये आपका राइट हैंड है, इसे प्लेस करें ए वेक्टर के ऊपर और इसे वी बी वेक्टर की तरफ कर्ल करें अपनी फिंगर्स को। जो इरेक्ट थंब है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को या इनके वेक्टर प्रोडक्ट को जाहिर करेगा। इनकी कन्फिग्रेशन हमारे पास ऐसे है, फर्ज कर लें ये वेक्टर ए है हमारे पास और ये वेक्टर बी है, ये किसी एक एंगल थीटा के ऊपर एक दूसरे के साथ मौजूद है। ए क्रॉस बी किस तरह से हमें हासिल होगा? वो इस तरह से हासिल होगा, अपने राइट हैंड को हमने एक वेक्टर ए के ऊपर रखना है और स्मॉलर एंगल के ऊपर अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। इरेक्ट थंब जो है ये बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन के अंदर जो थंब है हमारे पास, ये इनके ए क्रॉस बी को जाहिर करेगा। तो ए क्रॉस बी इस तरह से होता है, चूंकि साइन ऑफ नोटेशन यहाँ पर लिखी गई है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इसे यहाँ कंसिड्रेशन में लाना होता है। आउट ऑफ द बोर्ड ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसे जाहिर करना, चूंकि बोर्ड के अंदर आउट ऑफ बोर्ड कोई ऐसी नोटेशन बना नहीं सकते, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे होता है। डायरेक्शन इसकी इसी ही रूल के तहत फाइंड की जा सकती है, जिसे हेड टू सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इसी ही रूल के तहत फाइंड की जाती है, और ये रूल कहलाता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल डिफाइन इसको कैसे किया जाता है, प्लेस द राइट हैंड ऑन द वेक्टर ए, वेक्टर ए के ऊपर अपने दाएं हाथ को रखें, कर्ल योर फिंगर्स टूवर्ड्स द वेक्टर बी, अपनी उंगलियों को दूसरे वेक्टर बी की तरफ घुमाएं, देन द इरेक्ट थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो इरेक्ट थंब है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के अंदर पॉइंट आउट होगा, ये इस तरह की कन्फिग्रेशन बनाता है। हमेशा एक बात जहन में रखिएगा बेटा, एक क्रॉस प्रोडक्ट या जिसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जा रहा होता है, ये परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन, उस प्लेन के कंटेनिंग द वेक्टर्स, जिस प्लेन के अंदर वेक्टर मौजूद होंगे ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर ठहरा होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है उनका रिजल्टेंट हमें बेसिकली तौर पर जो हासिल होता है। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, टार्क, टार्क के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट से हासिल होता है। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। टार्क एक हमें रिजल्टेंट जो क्वांटिटी मिल रही है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये पहली एग्जांपल है हमारे पास। दूसरी एग्जांपल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अगर एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो और किसी वी स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, उसकी स्पीड क्या कुछ है, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस्तेमाल की थी, वो उन दोनों के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के बराबर होगा। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम हमेशा पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट से हमें हासिल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए पढ़ी थी, आज वेक्टर प्रोडक्ट के लिए भी पढ़ेंगे इसे, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है। पहली प्रॉपर्टी है, इट वायलेट्स द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ है क्या कि अगर वेक्टर्स का ऑर्डर बदल दें तो रिजल्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ऑर्डर के बदल देने से क्या इनका रिजल्टेंट डिफरेंट हो जाएगा या रिजल्टेंट वही रहेगा। ये कम्यूटेटिव लॉ को कैसे वायलेट करता है उसके लिए फर्ज करें मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के एन यूनिट वेक्टर, इसे मसावात नंबर वन कर दें। अगर ऑर्डर बदल दें, हम बी क्रॉस ए बनाते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, लेकिन हेयर इज माइनस एन यूनिट वेक्टर। इसको समझने के लिए इसी डायग्राम की तरफ वापस आते हैं। राइट हैंड रूल एक क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ए क्रॉस बी बनाना चाहें, आपने अपने राइट हैंड को ए वेक्टर के ऊपर प्लेस करना है और बी वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल आउट करना है, तो यूं जब इनको कर्ल करेंगे तो इरेक्ट थंब ए क्रॉस बी को जाहिर कर रहा होगा और इसकी डायरेक्शन मैंने पहले भी बताया, ये आउट ऑफ द बोर्ड होगी, ये ए क्रॉस बी होगा। अगर इनका ऑर्डर बदल दें, बी क्रॉस ए बनाना चाहें, देखिए यहां से बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ जब अपनी फिंगर्स को आप कर्ल करते हैं, जो इरेक्ट थंब है उसकी डायरेक्शन ये होती है, यानी कि इन टू द बोर्ड जाता हुआ ये वेक्टर हमें दिखाई देता है। अब गौर करें, यहां ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में है और बी क्रॉस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि बेटा जहन में रखिएगा, वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाए या उसकी मैग्नीट्यूड बदल जाए, दोनों में से कोई एक बदलेगी तो वेक्टर बदल जाता है। चाहे यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन चूंकि इनकी डायरेक्शन बदल चुकी है तो दोनों वेक्टर भी बदल चुके हैं। अब डायरेक्शन के रिवर्स में आ जाने की वजह से नेगेटिव की टर्म वेक्टर के साथ एसोसिएट की जाती है, ये मैंने वहाँ आपको सिखाया था। तो इसीलिए एक यूनिट वेक्टर के साथ माइनस की अलामत लगाई गई है कि डायरेक्शन में 180 का रिवर्सल आया, ठीक है, 180 डिग्री डायरेक्शन चेंज हो गई है, अपोजिट हो गई है, एंटी पैरेलल हो गई है। तो मसावात नंबर एक और दो से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर इसे और भी सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये होगा माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। माइनस की अलामत लगाई गई है तो ये माइनस आप इसके साथ एसोसिएट कर दें। इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब इसे मैं मसावात नंबर तीन कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर देखें, इनकी राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर होंगी। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है ए क्रॉस बी है और थर्ड इक्वेशन की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। तो इसका मतलब अगर वेक्टर का ऑर्डर बदल देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बदल जाएगा, उसका रिजल्टेंट कुछ और होगा। ये इसीलिए कहा था उसने कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव लॉ की ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो, फर्ज कर लें वेक्टर ए है और वेक्टर बी है जो एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं, इन दो वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या कुछ होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर द क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। कैसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने इसे लिखना था। ए बी साइन थीटा की जगह पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए 90 का जाविया पुट करना है,
एन यूनिट वेक्टर वैसे लिखा जाएगा। साइन 90 अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 के बराबर होता है। यहाँ साइन 90 की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 के मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी एन यूनिट वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू देता है, ये प्रॉपर्टी आपने जहन में रखनी है। हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ही क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और किसी भी एंगल के ऊपर नहीं आएगी। दूसरा केस जो आपकी कुछ बुक्स के अंदर डिस्कस किया गया है, कुछ के अंदर नहीं डिस्कस किया गया, 270 एंगल के ऊपर मौजूद हो, ये MCQs के तौर पर पूछता है, तो साइन 270 डिग्री 270 डिग्री के ऊपर जाकर इसकी वैल्यू को जब चेक करेंगे तो ये -1 आएगी। उस वक्त ए क्रॉस बी आपके पास -AB एन यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ देख लें, ये डायरेक्शन बदल गई थी, तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लें, ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 270 डिग्री हो तो ए बी साइन 270 डिग्री एन यूनिट वेक्टर ये बराबर होगा -AB एन यूनिट वेक्टर के। ये कुछ सिलेबस के अंदर, कुछ बोर्ड्स के अंदर इस प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया है, अदरवाइज इसको शामिल नहीं किया गया। अगर हम इन्हीं परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए इसी केस को यूनिट वेक्टर लेवल के ऊपर एक्सटेंड कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या हमारे पास थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट वेक्टर के लिए अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो कैसे रिलेशन बनाएगा, उसके लिए दो बातें जहन में रखिएगा। पहले आपने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़ लेनी है या आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़ लेनी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कुछ बुक्स के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है साइक्लिक ऑर्डर के लिए। फॉर द साइक्लिक ऑर्डर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स के क्या होंगे ये फाइंड करने के लिए साइक्लिक ऑर्डर क्लॉकवाइज के लिए इस्तेमाल करेगा, और एंटी साइक्लिक ऑर्डर काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करता है। ये दोनों मेजर पॉइंट्स हैं, इनको अपने जहन में रखिएगा। पहला केस यूनिट वेक्टर्स की सूरत के अंदर अगर दो यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, चाहे वो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लें या थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, उस केस के अंदर यहाँ पर देखें आपने एक सर्कल बना लेना है। अक्सर बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं जो भूल जाते हैं। आपने एक सर्कल बना लेना है, फिर इस तरह से इनकी प्लेस आउट करें, आई हैट जे हैट के हैट। लफ्ज हमने यहाँ पर एंटी साइक्लिक ऑर्डर लिखा हुआ है या काउंटर क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, आपने क्लॉक के अपोजिट चलना है, तो इस तरह से इनको एरो हेड दे दें। अब गौर करते जाइएगा, अगर आप इस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में क्या कुछ होगा। के और जे के दरमियान में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ से आप के की मैग्नीट्यूड 1, जे की यूनिट मैग्नीट्यूड 1 आपके पास साइन, और चूंकि ये एक दूसरे के साथ 90 के जावे पर होते हैं तो ये साइन 90, और जो यूनिट वेक्टर आपके पास होगा वो -i हैट होगा। ये -i हैट यूनिट वेक्टर होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 ही बनता है, साइन 90 ऑलरेडी 1 बन जाएगा और -i हैट ही आपके पास आएगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑर्डर अगर बदलेंगे तो इनके दरमियान में जो रिजल्टेंट बन रहा होता है उसकी डायरेक्शन बदलती चली जाती है, तो -i हैट के बराबर। इसी तरह से i को k के साथ, i क्रॉस k, i हैट क्रॉस k हैट आपके पास बराबर होगा -j हैट के, ठीक है। j हैट क्रॉस i हैट ये बराबर होगा -k हैट के। ये तीन प्रॉपर्टीज जहन में रखिएगा। अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अकाउंट आउट किया जाए तो इस डायरेक्शन के अंदर देखें, i को k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया -j बन गया, j को i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया -k बन गया, i को k के साथ या k को j के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो -i बन जाएगा। डायरेक्शन जहन में रखनी है, आपके पास एंटी साइक्लिक ऑर्डर है। दूसरा केस अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव किया जाए या साइक्लिक ऑर्डर के अंदर मूव किया जाए, फिर से वही सर्कल बना लीजिए,
सर्कल के अंदर अब आपने जो एरो हेड बनाने हैं वो एरो हेड आपने साइक्लिक ऑर्डर के अंदर बनाने हैं, साइकिल की सूरत के अंदर। यहां आप इसके ऊपर एरो हेड लगा दें, आई जे के हेड ये प्लेस आउट कर लें। अब गौर कीजिएगा, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान में, देखें आई जे के परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा क्या, आई क्रॉस जे, आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड भी 1 और साइन 90, इधर से के यूनिट वेक्टर इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर सी बात है आई के ऊपर एक्स एक्सिस के अलांग आई हैट पाया जाता है, आप इसको वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि जे हैट वाई एक्सिस के अलांग डायरेक्शन को जाहिर करता है, जो आपका थंब है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो के की डायरेक्शन के अंदर मौजूद होगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स दो हों तो कंसीडर कर लें, अदरवाइज आपने यूनिट वेक्टर्स को थ्री डायमेंशनल के लिए अप्लाई करना है इस क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि रिजल्टेंट एक थर्ड कोई वेक्टर होगा, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आप इसको अप्लाई कीजिएगा। आई क्रॉस जे साइन 90 1 के बराबर, साइन 90 1 के बराबर, ये भी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, आई क्रॉस जे के हेड के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से आई क्रॉस जे को मल्टीप्लाई किया के हेड आ गया, जे क्रॉस के को मल्टीप्लाई करेंगे आई हेड बन जाएगा, के क्रॉस आई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जे हेड हमारे पास। तो ये प्रॉपर्टीज आपने जहन में रखनी है इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स ये प्रॉपर्टीज जहन में रखिएगा, इनमें से काफ़ी सारी वो एमसीक्यूज बना चुका है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो उस केस के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। फर्ज कर लें दो वेक्टर हैं हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल केस के अंदर थीटा दो वेक्टर्स के दरमियान में 180 डिग्री आता है। आप इसको ऐसे लिखना चाहें आपकी मर्जी, अगर इसी बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो आपके पास इन दोनों के दरमियान में 180 का एंगल बन जाएगा। अमूमी तौर पर जहन में रखें कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों तो इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री एंड यूनिट वेक्टर साइन 180 डिग्री, अगर इसकी वैल्यू को चेकआउट किया जाए तो ये जीरो को अप्रोच करती है। यहां जीरो पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये एक नल वेक्टर होगा, जो कि एमसीक्यूज के तौर पर पूछ चुका है। और वही फर्ज कर लें वही वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल से मुराद मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है लेकिन डायरेक्शन एक ही है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन एक हो उस केस के अंदर ए क्रॉस बी, पहले तो पैरेलल वेक्टर के लिए थीटा जीरो डिग्री कंसीडर किया जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन जीरो डिग्री एंड यूनिट वेक्टर साइन जीरो डिग्री, इसकी वैल्यू जीरो ही होती है। अगर जीरो रिप्लेस करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर के बराबर होगा। तो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जा रहा है, ये वैनिश हो जाता है, नल वेक्टर देता है, इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच कर जाती है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, अगर किसी एक वेक्टर का उसी ही वेक्टर के साथ प्रोडक्ट बनाया जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होगा, इसी वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होगा। फर्ज कर लें वेक्टर ए है और उसी ही वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ बनाया जा रहा है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए ए दोनों की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ए ए बेस सेम है, पावर्स को एडअप कर दें, इसको ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहां से मैं इसे ए स्क्वायर बना देता हूं, ए स्क्वायर साइन जीरो डिग्री, एक ही वेक्टर के दरमियान में एंगल जो होता है वो जीरो डिग्री, एन यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन जीरो जीरो, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें
सिमिलर वेक्टर्स के दरमियान में सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर के बराबर होता है। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी जीरो मैग्नीट्यूड होगी और कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन रखेगा, इसे नल वेक्टर कहा जाता है। तो हो सकता है नल वेक्टर के टॉपिक के अंदर वो आपसे काफ़ी सारी इनमें से एमसीक्यूज उठा के पूछ ले। क्लियर। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को अगर नल वेक्टर दे रहा था यूनिट वेक्टर की सूरत के अंदर ऑब्जर्व करना चाहें तो क्या होगा? यूनिट वेक्टर देखें, आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसी ही यूनिट वेक्टर का इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बना दें। आई हैट क्रॉस आई हैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे यूनिट वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड 1 साइन थीटा। दोनों के दरमियान में एंगल 0 डिग्री होगा तो इसे साइन 0 डिग्री पुट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर के केस के अंदर भी क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर आता है। तो तीनों चीजें आपने जहन में रखनी है, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाए, जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाए, के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाए। तो तीनों जीरो या नल वेक्टर हमें देते हैं। जीरो मैग्नीट्यूड लेवल के ऊपर बात की जाती है, ओरिजिनली तौर पर ये एक नल वेक्टर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज अपने जहन में रखें। इसके बाद जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि बेसिकली तौर पर जाहिर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को, इसको साबित करने शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, जिनको एक एंगल थीटा के ऊपर प्लेस आउट किया गया है। अब इन वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनानी है हमने। आप इस वेक्टर को बाय शिफ्टिंग प्रिंसिपल, इसकी मैग्नीट्यूड ना बदले, डायरेक्शन ना बदले, आप इसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। आप यहाँ शिफ्ट कर दें और बी वेक्टर को उसी शिफ्टिंग प्रिंसिपल के तहत यहाँ शिफ्ट कर दें। अब ये जो डायग्राम है आपके पास, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा जहन में रखिएगा कि आमने सामने की लेंस लंबाइयाँ बराबर होती हैं, लेकिन एंगल जो होता है वो 90 नहीं होता, कुछ और एंगल होता है। अगर यहाँ से बी वेक्टर को रिजॉल्व करें तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा बनेगा, दूसरा बी साइन थीटा, जो यहाँ लिखा गया। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को हमने जाहिर करना है, जो इसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसी डायग्राम की एरिया से ही हमें हासिल होगा। वो कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर्स टेकन एज इट्स टू एडजेसेंट साइड। हमने दो एडजेसेंट साइड बनाई थी उसी पैरेललोग्राम की, इनके एरिया से हासिल होगा हमें क्रॉस प्रोडक्ट का की मैग्नीट्यूड। तो एरिया लेंथ इनटू हाइट के बराबर होता है। लेंथ ये है कोई एक, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लें ए मैग्नीट्यूड, फिर हाइट हमारे पास क्या बनेगी? हाइट के लिए ये रिलेशन हमने कैलकुलेट करना है, तो हाइट बी साइन थीटा के बराबर। मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो इसे ए बी साइन थीटा लिखा जा सकता है, जो कि ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आप डिटरमिनेंट फॉर्म को इस्तेमाल करें, बहुत इजी है, एक मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, अगर एक वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाए तो ये जाहिर किया जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। अब डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर क्या है कि वेक्टर जो हमारे पास है, अगर इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में, ए वेक्टर को लेट से फर्ज कर लेते हैं ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट, इसी तरह से दूसरा वेक्टर बी है, इसके कंपोनेंट्स बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जी के हैट, आई जे के हैट, इनको ऊपर डिटर्मिनेंट के अंदर लिखें। आई के नीचे पहले ए के तमाम तरह जितने भी कंपोनेंट हैं उनको प्लेस करेंगे, आई हैट के नीचे ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, जे हैट के नीचे ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, के हैट के नीचे ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट, इसी तरह से आई हैट के नीचे बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, जे हैट के नीचे बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट, के हैट के नीचे बी वेक्टर का जेड कंपोनेंट। अब इसके डिटरमिनेंट को ओपन करें, ये क्या बनेगा हमारे पास? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
इज इक्वल टू आई हैट लिखेंगे, आई के नीचे कॉलम खत्म, आई के सामने वाला सामने वाली कतार खत्म, तो बाकी रिमेनिंग ये इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जी माइनस की अलामत लगाएंगे, अब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ए जी बी वाई। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए हमेशा आपने माइनस लगाना होता है, माइनस जे, माइनस जे के लिए नीचे इसके कॉलम खत्म, सामने इसके कतार खत्म, एक एलिमेंट ये रिमेनिंग रहेगा ए एक्स और दूसरा एलिमेंट ये होगा बी जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की अलामत लिखेंगे ए जी और इधर से बी एक्स, ए जी बी एक्स लिखा जाएगा। थर्ड कंपोनेंट प्लस के, थर्ड एलिमेंट को प्लस के साथ लिखेंगे, के हैट, इसके नीचे कॉलम खत्म, सामने कतार खत्म, तो रिमेनिंग ये कॉलम खत्म हो गया, यहां से ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो ये रिजल्टेंट है हमारे पास। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया हो और वो वेक्टर्स थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिए गए हों, तो उनके कंपोनेंट्स की सूरत के अंदर हमने वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से लिखना है, तो आई हैड के साथ ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, माइनस जे इसके साथ ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स, प्लस के हैट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। आज का ये हमारा टॉपिक था वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट दिया जाता है। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।